सो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपने पढ़ ही लिया, मुझे नहीं लगता यार टिकटॉक अब इंडिया में ज़्यादा दिन का मेहमान बनकर रहने वाला है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से टिकटॉक जो है आने वाले टाइम पर पीछे रह सकता है, या फिर दोस्तों हो सकता है आने वाले टाइम पर टिकटॉक पर से काफ़ी सारा जो ट्रैफिक है दोस्तों वो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड रहने के साथ साथ इतना ज़्यादा ट्रैफिक टिकटॉक पर नहीं रहेगा जितना अभी प्रेजेंट टाइम पर दोस्तों टिकटॉक पर ट्रैफिक है। तो दोस्तों, फेसबुक ने अपना एक ऐप लॉन्च किया है, जिसमें दोस्तों उसने बताया है कि फेसबुक ने दोस्तों जो है एक ऐप लॉन्च किया है, पर दोस्तों ये ऐप अभी अमेरिका में लॉन्च किया गया है और iOS वर्जन पर ही दोस्तों आपको ये अवेलेबल मिल जाएगा। iOS जो भी अमेरिका में रहता है दोस्तों अमेरिका से डिपेंड है, ये ऐप अभी फिलहाल अमेरिका में लॉन्च किया है। इस ऐप में दोस्तों फेसबुक ने बोला है कि टिकटॉक की तरह ही ये फेसबुक ने ये ऐप बनाया है, तो टिकटॉक की तरह ही दोस्तों ये वर्क करेगा। इसमें आप शॉर्ट वीडियो बना सकते हो, म्यूजिक लगा सकते हो, कोई से भी दोस्तों जो भी कंटेंट आप टिकटॉक पर यूज़ करते हो वो सारे कंटेंट दोस्तों आपको जो है ये ऐप पर देखने को मिल जाएंगे। उस ऐप का नाम है दोस्तों कोलैब। तो कोलैब ऐप दोस्तों फेसबुक की तरफ से लॉन्च किया गया है, और लॉन्च करने के साथ साथ अभी फिलहाल दोस्तों ये भारत में लॉन्च नहीं हुआ है और एंड्रॉयड वर्जन पर भी ये अभी अवेलेबल नहीं है। बट फेसबुक ने ये दावा किया है कि जल्दी हम इसे भारत में भी लॉन्च करेंगे और एंड्रॉयड वर्जन पर भी ये दोस्तों आपको अवेलेबल मिल जाएगा प्ले स्टोर पर। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर फेसबुक भी इस तरह का ऐप निकाल देगा ना, तो टिकटॉक का भारत में रहना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग दोस्तों टिकटॉक कर अनइंस्टॉल भी कर चुके थे, टिकटॉक को अनइंस्टॉल कर चुके थे। तो वो चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं ऐसा ऐप निकल कर सामने आए जो कि टिकटॉक को मात दे और टिकटॉक से भी अच्छा दोस्तों जो है प्लेटफॉर्म रहे। तो आप फेसबुक को तो जानते हो, फेसबुक का इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और व्हाट्सअप है। तो मुझे लगता है फेसबुक इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता है पैसा। तो अभी फिलहाल फेसबुक ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट भी किया है पैसा मार्केटिंग में। तो सोच सकते हो आप, फेसबुक अगर ये ऐप लॉन्च कर देता है तो टिकटॉक पर कितना ज़्यादा ट्रैफिक डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के साथ साथ इंडिया का भी एक ऐप निकल कर सामने आ रहा है, जिसका नाम है दोस्तों मित्रोन। तो मित्रोन दोस्तों एक ऐप है जो भी बिल्कुल टिकटॉक की तरह ही चलता है, और टिकटॉक की तरह चलने के साथ साथ सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये दोस्तों इंडिया का है, इंडिया में ही दोस्तों इसको बनाया गया है, और ये इंडियन ही मतलब इंडिया में ही इसकी दोस्तों जो डाटा रहता है वो इंडिया में ही रहता है, डाटा इंडिया के बाहर नहीं जाता। तो आप सोच सकते हो मित्रोन भी काफ़ी ज़्यादा ऐप दोस्तों जो है बन चुका है, 50 लाख से ज़्यादा दोस्तों इसको जो डाउनलोड कर चुके हैं। और दोस्तों थर्ड में बात करूँ फेसबुक सॉरी दोस्तों थर्ड में बात करूँ यूट्यूब की, तो यूट्यूब की तरफ से भी दोस्तों एक ऑफिशियली अनाउंस किया गया था कि यूट्यूब भी जल्दी एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म लाने वाला है, जिसका नाम रहेगा दोस्तों यूट्यूब शॉर्ट। तो मुझे लगता है यार टिकटॉक का तो रहना ही मुश्किल हो जाएगा इंडिया में। तो ऐसा लगता है मुझे कि टिकटॉक पर काफ़ी सारा दोस्तों जो है ट्रैफिक डिवाइड हो जाएगा, और जितना टिकटॉक अभी चल रहा है उतना प्रेजेंट टाइम पर नहीं चलेगा, आने वाले टाइम पर जो भी रहेगा टिकटॉक मेरे ख्याल से नहीं चलेगा। आपकी इसमें क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताना। ये छोटी सी अपडेट किस तरीके से लगी, अगर आपको अपडेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू गाइस, जय हिंद जय भारत।